इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में 2024 के लिए एंटी मोदी मोर्चे की रणनीति बननी शुरू हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों की अहम बैठक बुलाई है और यह बैठक शाम को 4 बजे शरद पवार के घर पर होगी और इस बैठक में टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है। इसके अलावा लेखक, पत्रकार भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बहाने शरद पवार विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हो सकते हैं। इसमें कौन कौन एक्टिव है इसको आप समझिए। टीएमसी की ओर से यहां पर टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से संजय सिंह होंगे, इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला को इसमें न्योता दिया गया है। आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा जो साउथ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं को भी इसमें बुलाया गया है और बहुत सारे ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो मोदी का विरोध करते रहे हैं, उन्हें भी इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। आपको बताते हैं कि इस बैठक में राजनीतिक दलों से कौन कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा उपाध्यक्ष है टीएमसी के, फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह सांसद है आम आदमी पार्टी के, डी राजा महासचिव है सीपीआई के, इसके अलावा पवन वर्मा पूर्व सांसद है और जेडीयू के साथ भी जुड़े रहे हैं, उन्हें भी न्योता दिया गया है। पवार के साथ मीटिंग में कौन कौन होगा? घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी आरएलडी, वंदना चौहान एनसीपी सांसद, माजिद मेमन ये भी एनसीपी से हैं, प्रीतिश नंदी पत्रकार और लेखक हैं, इन्हें भी इसमें शामिल करने के लिए बुलाया गया है। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ कई जाने माने चेहरे भी इस बैठक में नजर आएंगे जिसमें जावेद अख्तर शामिल हैं, केटी तुलसी भी इसमें है, इसके अलावा एस वाई कुरैशी जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त है यानी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, संजय झा पूर्व कांग्रेस के प्रवक्ता है, सुधींद्र कुलकर्णी लेखक, इन्हें भी इन्वाइट किया गया है। पवार के घर पर होने वाली बैठक पर हर किसी की नजर है और इस बैठक में महाराष्ट्र में पवार के सहयोगी शिवसेना को नहीं बुलाया गया। विपक्षी पार्टियों की भी एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। विरोधी दलों को एकजुट करने में हमेशा पवार साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब पवार साहब बहुत दिन के बाद दिल्ली में गए, पवार साहब ने सबको बुलाया है, एक दूसरे के साथ मंथन कर रहे हैं। देश के राजनीति के लिए अच्छी बात है। प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ जो काम किया है उसकी सराहना पूरा देश कर रहा है। पवार साहब अगर प्रशांत किशोर जी से मिलते हैं, कोई जानकारी लेते हैं देश की राजनीति के बारे में, कोई सर्वे होता है तो मुझे लगता है सबके लिए अच्छा होगा। पवार साहब क्या करते हैं और विरोधी दल क्या करते हैं उस बारे में हम सब लोग महाराष्ट्र से शिवसेना बहुत सजगता से देख रहे हैं। अब पंजाब कांग्रेस में कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग में एक बार फिर कांग्रेस पैनल के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी चल रही है। दिल्ली में यह पेशी की हो रही है और खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की बयानबाजी से कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहद नाराज हैं और आज आलाकमान के सामने वो सख्त रवैया दिखा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब कैप्टन सिद्धू के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। पंजाब पर कांग्रेस पैनल के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पेशी पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं यही कहूंगा सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में सभी लोग आने के लिए उन्होंने कहा है और वो जो भी कहेंगे उस बात पे वो निर्णय लेके काम करेंगे, ऐसी सबकी इच्छा व्यक्त हुई है उन्होंने की। आज मीटिंग में सोनिया गांधी जी रहेंगी? नहीं नहीं, ये तो समिति की मीटिंग है जिसका अध्यक्ष मैं हूँ और हरीश रावत जी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं और जेपी अग्रवाल जी भी
जो सीनियर कांग्रेस लीडर है वो भी इसमें रहेंगे और बातचीत करके देखेंगे। और आपको बता दें कि ग्रुप की जो बैठक हो रही है उससे एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।